मध्य प्रदेश शासन एवं भारतीय जनता पार्टी की ख्याति को हानि पहुंचाने और कुटरचित दस्तावेज बनाकर प्रचारित करने वाली अज्ञात व्यक्ति पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल फरियादी पंकज पालीवाल ने थाना में लिखित शिकायत की, जिसमें लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ बसंत विहार कॉलोनी मध्य प्रदेश के लेटर पैड पर ज्ञानेंद्र अवस्थी के हस्ताक्षरित दस्तावेज को तैयार किया गया था। हालांकि क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने मामला दर्ज करके जांच की तो ना ही संस्था मिली और ना ही हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति। अब क्राइम ब्रांच सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों से पूछताछ कर रही है। पालीवाल हैं, हमारे यहाँ एडवोकेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं जिले के। इनके द्वारा एक थाना क्राइम ब्रांच में एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से और संविदा का संघ बसंत विहार के नाम से एक पत्र जारी हो रहा है, जो पूरी तरह से कूट रचित है। न इस तरह का कोई व्यक्ति है, न कोई इस तरह का यहाँ पर कोई कार्यालय है, और इससे हम भारतीय जनता पार्टी और शासन के ख्याति को हानि पहुँचाई जा रही है। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था पोस्ट 16 IPC का, और इसमें विवेचना किया चालू कर दी गई है। क्राइम ब्रांच इसकी विवेचना कर रहा है। इसमें जो पत्र में जो उल्लेखित पता है उसको देखा गया है, उसके आसपास भी पता किया गया है, तो इस तरह का कोई भी कार्यालय होना नहीं पाया गया है।